हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अशरफ साहब बात कर रहे हैं। जी मेरी जान बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? अदील बात कर रहा हूँ जी। मैंने जो है ना इंफॉर्मेशन, मैं बहावलपुर में हमारा रकबा है, मैंने जो है ना बायोगैस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी जी। बिस्मिल्लाह, क्या इंफॉर्मेशन ये लेनी थी कि हम मतलब हमारे उधर जो है ना दो प्रॉब्लम है, एक तो गैस भी नहीं है और एक लाइट भी नहीं है। हाँ जी, वो तो हर जगह ही है। तो ऐसा हम मतलब ये पूरे मुल्क में ये हालात है, मुल्क में फिर भी खंबे तो लगे ना, हमारे उधर माशाल्लाह से वो भी नहीं है। असल में कौन से तो, कौन सी तहसील में है आप बहावलपुर की? बहावलपुर में 17-20 खानगा शरीफ है ना जी। हाँ हाँ। खानगा से फिर मकबूलाबाद जाता है, मकबूलाबाद से 17-20 में। अच्छा 17-20 में। अच्छा जी जी। हाँ जी, वहाँ पे मतलब आपसे इंफॉर्मेशन ये लेनी थी कि हम इतनी गैस मतलब बना सके ताकि हमारे घर में लाइट भी आ जाए और जो है हमारा गैस का भी काम जो है ना चल सके, मतलब चूल्हा जल सके। इसके लिए मतलब क्या रिक्वायरमेंट पैसों के हवाले से और मतलब जानवर के हवाले से और जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो मालूम करनी थी आपसे। उसमें ये है कि वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वो ये है कि जितने ज्यादा जानवर होंगे, जितना ज्यादा गोबर उसमें डाला जाएगा, जितना बड़ा कुआं होगा, जितना बड़ा प्लांट होगा, उसी हिसाब से आप गैस भी ले सकेंगे और गैस के साथ साथ आप चूल्हे भी जला सकेंगे, आप उसके साथ ट्यूबवेल के जनरेटर वो भी ट्यूबवेल भी चला सकेंगे। तो वो तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोग ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप दिता बलोच चले जाएं। हाँ चले जाएं। दिता बलोच है एक भावलपुर में ही एक गांव है। दोबारा बताइएगा, मैं लिख लेता हूँ। मैं नंबर दे देता हूँ, आप उनसे राबता कर लें। हाँ जी। भावलपुर में ही और वहाँ आप प्रैक्टिकली जाके देखें कि कैसे वो चला रहे हैं। और ये दित्ता बलोच जगह है। कौन सा? दित्ता, DITTA, ये दित्ता। ये दित्ता दित्ता पंजाबी का नाम है। दित्ता जैसे अल्लाह अल्लाह दित्ता है ना। दित्ता हाँ जी, समझिए मैं। दित्ता दित्ता बलोच बलोच सही ठीक है। वहां चले जाएं और वहां पे आप एक टेलीफोन नंबर मैं देता हूं, आप उनसे मिले जाके। हाँ जी, टेलीफोन नंबर दे दें आप। 0345 8730 8730 883 883। ये 0345 8730 883। हाँ, डॉक्टर आरिफ खान है, आरिफ खान रेंद। डॉक्टर आरिफ खान रेंद, रेंद रेंद बलोचों की एक कास्ट है, रेंद बड़ी मारूफ कास्ट है। और ये मेरे पास आए भी थे और वो उनके साथ एक और होते हैं, वो तो पाइनियर है आपके इधर भावलपुर में बायोगैस लगाने के हवाले से, वो हैं, उनका नाम है रियाज भट्टी। रियाज भट्टी साहब का नंबर भी दे देता हूं, आप उनसे कर लें। 0300 0300 680 680 फिर 80 280 नहीं मेरी जान, 680 8014 8 14 यानी 300। हाँ 680 8014। हाँ 680 8014। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रियाज भट्टी। रियाज, ये इनसे राबता कर लें और वो आपको लगा भी देंगे। वो आप जितना बड़ा लगाएंगे, 1 लाख का लगवाएं, 1.5 लाख रुपया लगाएंगे, तो आप आराम से अपने चूल्हे भी जलाएं, लाइटें भी जलाएं और
आप ट्यूबवेल भी चलाएं, आपके पास जानवर ज्यादा होने चाहिए, 40-50 जानवर तो होंगे आपके पास। 40-50 जानवर मतलब इनके जानवर की कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? वो देख लेना, मुख्तलिफ है, 25-30 जानवरों से भी चलेगा। वैसे तो अगर एक छोटे से कुंबे के लिए तो मैं 4-5-6 जानवरों के लिए भी कहता हूँ कि वो घर का 2 वक्त का चूल्हा जला सकते हैं और लाइट भी जल सकती है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट जो जो बढ़ती जाएगी, आप उसमें ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करते जाएंगे और साथ साथ आप ये करें, ज्यादा जानवर रखेंगे और ज्यादा पैसे लगाएंगे और ज्यादा सहूलत होगी। ये तो तकरीबन 10-15 जानवर हमारे पास, 10-15 उनसे बात कर लें कितना बड़ा वो बना के दे देंगे आपको, और अल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ठीक है, मेहरबानी। बिस्मिल्लाह, नाम क्या आपने अपना बताया? मैंने अदील नाम बताया। अदील मेरा बेटा, आप बहावलपुर में तो रकबा है, रहते हुए वैसे कहाँ हैं आप? हम अभी मैं कराची में हूँ और कराची में कहीं रहायशी भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, चले अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। कोई मसला हो तो मेरा नंबर आपके पास है 0333-512-1879। ठीक है, और आओ तो फेसबुक पे भी डॉक्टर अशरफ साहब ज्यादा कर लेंगे, वहां आ जाएगा। फेसबुक पे एक है पाक एग्री एजुकेशन, वो भी एक मेरा पाक एग्रीकल्चर एजुकेशन। हाँ, पाक एग्री एजुकेशन, पाक पे स्पेस छोड़ के एग्री फिर एजुकेशन है। इसी तरह डॉक्टर अशरफ साहबजादा है, इसी तरह ashraf.sahibzada.7 है। ये मुख्तलिफ फेसबुक पे है, और वैसे एक वेबसाइट भी आ गई है www.ashrafsahibzada.com। ठीक है मेरा बेटा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ठीक है, कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अल्लाह फजल करेगा, शाबाश। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे, पूरे मुल्क की परेशानियां दूर करे। और इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट वो हदीस मुबारक। हदीस मुबारक चले, अभी एकदम मैंने एक मेरे पास बहुत प्यारी डायरी जिसमें हर सफ़े पे एक हदीस और कुरान दोनों की एक एक चीज लिखी हुई है। तो अल माहिदा से मैं एक कोट कर रहा हूँ कुरान पाक से, नेकी के कामों में जल्दी करो। अल्लाहु अकबर, नेकी के कामों में जल्दी करो। तो इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपसे इजाजत चाहता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। फिर मान ला, अपना ख्याल रखें, अपने डंगर का ख्याल रखें। अभी और कॉल आ रही है, अभी प्रोग्राम और शुरू होगा। फिर मान ला।